देखो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, मानव परिसंचरण तंत्र। पहले हम लोग पढ़ चुके थे एकल परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, बहुत जानवरों की बात कर ली, आज एक सबसे बड़े जानवर की बात करने वाले हैं, उसका नाम क्या है, मानव। तो मानव परिसंचरण तंत्र या तो रक्त वाहिनी तंत्र, इसको हम लोग कहेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग देखने वाले हैं कैसे काम करेगा, यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे जो है ये कक्षों का बना होता है, कितने कक्ष होते हैं मानव में, चार कक्ष होते हैं। अच्छा, मानव के हृदय में चार कक्ष होते हैं, ठीक है। पेशी हृदय का बना होता है, यानी ये मसल्स का बना होता है। साखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल होता है। कैसी रक्त वाहिनी कैसी होती है, बंद होती है, मतलब साखित यानी बहुत इसमें फैली रहती है, और कैसी रहती है, बंद रहती है, क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट की बात करें। देखो ये हार्ट दो होते हैं, एक ही होता है, तो दो क्या है, फिर फेफड़े, और फेफड़े के बीच में आई लव यू कलर है, यानी पिंक कलर है, और ये पिंक कलर है, यहाँ जो मैंने पिंक कलर यानी ये क्या है, इसको कहते हैं मध्यांश मेरिस्टिनम, यानी मध्यांश। तो यहाँ पे इस मध्यांश में जो क्या रहता है, हार्ट रहता है, क्लियर है। जो ये याद रखना क्या होता है ना, ये फेफड़ों के बीच में रहता है, इसलिए बोला जाता है ना कि हार्ट जो है कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, ये लेफ्ट में नहीं होता, लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका होता है, क्लियर है। इसके बाद इसके आकार की बात करते हैं, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इतना होता है कि आप एक मुट्ठी में इसको बंद कर सकते हो, हाँ इतना सा होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग इतना बड़ा। तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, रंग कैसा है, गुलाबी। वयस्क पुरुष, वयस्क पुरुष यानी कि जवान। कितना वजन होगा, 320 ग्राम, ठीक है। स्त्रियों में 240। अब देखो ये यहाँ पर कोई ये मत पूछना सर ऐसा क्यों, पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे हर जगह मैं पढ़ता हूँ स्त्रियों में हार्ट कम, स्त्रियों में जो है जो ब्रेन होता है उसका वेट भी कम होता है, क्यों अब रिसर्च करना ऐसा क्यों, कि मतलब पता नहीं क्यों ब्रेन का आकार भी ये साइज भी जो है बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब मेल से कंपेरिजन में कम होता है, चलता भी कम है, अच्छा चलता सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब ये तो आएगा ही नहीं, ये किसमें, चलो तो हार्ट देखते हैं। जी रीता जी कहाँ से स्टार्ट कर रहे इसको, रीता जी पढ़ने की कोशिश की थी इसको, हाँ क्यों की, क्यों कोशिश की, चलो देखो तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो कहाँ से स्टार्ट करें इसको, यहाँ से देखो, एक ही आई लव यू कलर का पेन है, सबसे बाहरी लेयर ये वाली, ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा, इस लेयर को क्या कहते हैं, बाह्य तंतुमय हृदय आवरण, यानी फिब्रस पेरिकार्डियम, समझ में आ गया, ठीक है। अपने नोट्स में मत देखो, यहाँ आके देख लो, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसकी बात करें तो एक ऐसा होता है, ये तंतुमय ऊतकों का बना होता है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये सेकंड आवरण देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर, जो इस टाइप से चैंस में बनाया मैंने, दिख गया, क्लियर है। इस आवरण को हम लोग कहते हैं यहाँ पे, ये होती है बाह्य भित्ति परत, यानी पैराइटल मेम्ब्रेन, क्लियर है। इस पैराइटल मेम्ब्रेन के आगे आप देखोगे तो फिर एक और मेम्ब्रेन दिखाई देंगी पर्पल कलर में, इसको कहते हैं आंतरिक अंतरागी परत, जिसको हम लोग कहते हैं इपिकार्डियम, ठीक है। ये जो इपिकार्डियम है, ये हृदय पेशी से चिपक कर हृदय का बाह्य आवरण बनाती है, क्लियर है। तो ये जो ये हार्ट है, अंदर हार्ट है, ये सब लेयर है, फिर तो ये हृदय जो है, हृदय पेशी से चिपक कर कौन रहता है, ये वाली लेयर एपिकार्डियम, क्लियर है। और हार्ट की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, पेरिकार्डियम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं,
नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये बाह्य लेयर और आंतरिक लेयर को मिलके यहाँ पे जो लेयर बनती है इसको कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर है? ये याद रखना है सीरस। जब भी सीरस वर्ड आए तो समझ जाना कि ये अंदर की बात हो रही है, ऐसी लेयर जो कहीं ना कहीं चिपकी होंगी या ना हृदय में जो चिपकी हुई लेयर रहती है उसको कहते हैं सीरस। क्लियर है? तो सीरस पेरिकार्डियम हो गया। और जब भी हार्ट की बात आएंगे तो याद रखना पेरिकार्डियम कार्डियम 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 आएगा ही, कार्डियम आया है ना, समझ जाओ कि हार्ट की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ये तीन लेयर पढ़ ली, इसके बाद दो लेयर जो है तीन लेयर हम लोगों को और पढ़नी है। ये हार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो हार्ट है यहाँ पे जो है तीन लेयर आपको देखने को मिलेंगी। तो तीन लेयर की बात करते हैं तो ये कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे देखो एक ये लेयर है, तो सबसे पहले तो ये जो बाहरी लेयर है इसको हम लोग कहते हैं एपिकार्डियम। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? एपिकार्डियम। ठीक है, ये वाली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये पर्पल कलर से हो गई, सो वन मिनट। ठीक है, ये नहीं पर्पल नहीं, इसके अंदर है। ठीक है, ये कौन सी हो गई? एपिकार्डियम। एक यहाँ पे कौन सी होंगी? मायोकार्डियम हो जाएंगी। क्लियर है? और अंदर वाली को क्या कहेंगे? एंडोकार्डियम। क्लियर है? तीनों लेयर समझ में आ गई। अब इसकी हम लोग थोड़ी थ्योरी देख लें तो यहाँ पे जो है देखो एंडोकार्डियम तो समझ में आता है, सल्की कोशिकाओं का बना होता है और एंडोथीलियम का स्तर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होंगी? एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम ये सीरिमी हृदय आवरण की अंतरागी सीरिमी कला की बनी होती है, यानी विसरल सीरस मेम्ब्रेन। क्लियर है? ईपी का मतलब बाहर होता है, तो हृदय के बाहर लेकिन चिपकी हुई रहती है। मैंने बोला जब भी सीरम सीरिमी आए या सीरस आए तो समझ जाना। इसके बाद मायो का मतलब समझ में आता बीच वाली, तो ये जो है कार्डिक मसल ये हृदय पेशियों का बना होता है लेकिन ये कैसा होता है? अनैच्छिक। अनैच्छिक यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। क्लियर है? चलो अब ये तो हम लोगों ने आवरण की बात कर ली, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को और हार्ट की संरचना हम लोग देखें तो देखो ये हमारा हार्ट है जो लेफ्ट तरफ झुका हुआ है, ऐसे ही होता है। बीच से एक लाइन है। क्लियर है? या बीच से लाइन ना, चलो यहाँ अब बता देता हूँ। देखो ये है और यहाँ इसको आप एक और लाइन रहती है, कपाट रहते हैं। कितने भागों में डिवाइड हो गए? चार। तो ये याद रखना है यहाँ पे नीच, इसको ऐसे समझो जो ऊपर वाला है वो क्या होता है? आलिंद होता है। नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। क्लियर है? ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। नीचे वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं? दाया, या दाए को हम लोग क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। और यहाँ पे ये जो दाया है, सॉरी किसी बेवकूफ ने दोनों तरफ दाया दाया लिख दिया। ठीक है, इधर क्या है? बाया है। बाया मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अब इस टाइप से चार चैम्बर याद हो जाएंगे। याद रखना राइट और लेफ्ट, ऊपर वाला क्या होता है? आलिंद, यानी एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम हो जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला नीले है तो राइट वेंट्रिकल, और राइट सॉरी ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो ये समझ में आ जाएगा चार चैम्बर ऐसे, ऊपर वाला आलिंद नीचे वाला निलय। इंग्लिश की बात करें ऊपर वाला एट्रियम नीचे वाला वेंट्रिकल। ठीक है, जो यहाँ दाया बोलते हैं उसको क्या लिखते हैं? राइट। और जो बाया है वो लेफ्ट। डिवाइड कर लोगे चार चैम्बर में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमको ये चैम्बर समझ में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो तो अब हम लोग ट्रेवलिंग मतलब ब्लड कैसे जो है यहाँ से जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे होता है फेफड़ा, मान लो ये है फेफड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं पहले तो फेफड़ा। ये फेफड़े हैं,
तो ये सो वन मिनट ये छोटे से फेफड़े, ठीक है। अब इस फेफड़े की बात करते हैं, फेफड़े में ऑक्सीजन आएंगी, ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनित हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनित ब्लड आया, ये इसमें हमने भर दिया ब्लड। अब ये ब्लड जो है किसके पास जाएगा, ये जाएगा हार्ट के पास, ठीक है। ये चार नली बनी हुई है, इससे जाएगा कहाँ इंटर करेगा, सबसे पहले बाय आलिन लेवल, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कहाँ से आ रहे हैं, फेफड़े से। जब भी फेफड़े से ब्लड आएगा तो शब्द यूज होगा पल्मोनरी या तो फुफ्फुसी, क्लियर है। और एक चीज़ याद रखना, किससे आया है, सिरा से, यानी कि वेंस के, याद रखना। जब भी फेफड़े से हृदय में ब्लड आएगा तो वो शुद्ध ब्लड किसके द्वारा आएगा, वेंस के द्वारा, यानी कि सिराओं के द्वारा। और ये कौन सा शुद्ध ब्लड, और अशुद्ध ब्लड किस में बहेगा, धमनियों में, जबकि पूरे शरीर में उल्टा रहेगा। पूरे शरीर में क्या रहेगा, शुद्ध ब्लड किस में रहेगा, धमनी में, और अशुद्ध ब्लड सिरा में, क्लियर है। लेकिन ये पूरे शरीर की बात, अभी हम लोग हार्ट पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया इतनी बातें, स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से समझना। फेफड़े से ब्लड आया कहाँ पर, हार्ट में, हार्ट के कौन से पार्ट में, बाय आलिंद में, क्लियर है, यानी एट्रियम में ये आ गया। कौन सी नली से आया, पल्मोनरी वेंस से, पल्मोनरी वेंस से। इतनी बात समझ में आ गई, चलो तो आगे देखते हैं। हम लोग बात करते, अब देखो यहाँ पे ब्लड आ गया है, तो ब्लड जो है यहाँ आ गया है, किससे आया, फेफड़े से, कौन सी वेंस के द्वारा, पल्मोनरी वेंस के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये वाला एरिया कौन सा है, बाया आलिंद, वन मिनट, ये है बाया आलिंद, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इस बाय आलिंद में ब्लड आ गया है। अब इस बाय आलिंद में अगर ब्लड आएगा तो फिर देखो क्या होगा, ये ब्लड यहाँ पे पूरा समा जाएगा। अब देखो ये कहीं ना कहीं से तो निकलना पड़ेगा ना इसको, तो ये कहाँ से निकलेगा, तो ये याद रखना है, ये यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है, मतलब कहीं ना कहीं तो रास्ता ढूंढेगा या जाने का, तो ये रास्ता ढूंढता है। तो ये याद रखना, यहाँ पे ये किसके द्वारा जाएगा, तो यहाँ पे एक ऐसा जो है ये द्वार रहता है, ठीक है, और इस द्वार में रहते हैं दो दरवाजे, क्लियर है। तो इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लियर है, यानी द्विवेलनी कपाट, या इसको कहते हैं मिट्रल कपाट, क्लियर है, याद रहेगा। ये बाइकस्पिड वॉल्व रहता है, यह याद रखना है। अब बाइकस्पिड वॉल्व ये समझ में आ गया, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो अब ब्लड कहाँ आ गया, बाइक स्पीड वॉल से कहाँ आ जाएगा, ये कहाँ पर, बाय नीलय में, क्लियर है। तो ये याद रखना, बाया नीलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है, ये याद रखना। तो ये यहाँ आ गया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आने के बाद में देखो, यहाँ पे भी अब ब्लड भरा जाएगा पूरा, और अगर यहाँ पे जो है ब्लड ये पूरा आ गया है, देखो यहाँ ब्लड आ गया, अब यहाँ से भी तो ये कहीं निकलने की कोशिश करेगा ना, कहीं तो कोशिश करेगा, तो अब ये कहाँ जाएगा, तो ये याद रखना। देखो ये दरवाज़ा क्या होता है, बाइक स्पीड वॉल जो था, ठीक है, ये बाइक स्पीड वॉल से जैसे ही आया ना, ये बंद हो गया दरवाज़ा, क्यों हो गया, नहीं तो फिर तो ब्लड फिर से यहाँ चले जाता। ये कौन सा एरिया है, लेफ्ट एट्रियम, क्लियर, यहाँ चले जाता, लेकिन ये ना जाए, ये तो बंद हो गया, लेकिन अब ब्लड पूरा कहाँ पे है, कौन सा है एरिया है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है। तो अब यहाँ पे पूरा ब्लड जमा हुआ है, तो अब ये इसको कहीं ना कहीं तो जाना है, तो ये एक दरवाज़ा खोजेगा, तो उस दरवाजे का नाम ये है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा रहता है, क्लियर है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग,
इसको कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व, यानी अर्ध चंद्राकार वॉल्व। क्लियर है यहाँ तक के? ये उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। उल्टे प्रवाह यानी कि ब्लड इधर ही ना आ जाए, मतलब कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से गया और यही ना आ जाए। ये मतलब हर, देखो वॉल्व का काम यही है कि किसी चीज़ को अंदर, नल समझते हो ना, जैसे पानी आता है और जैसे हम लोग उसको घुमा देते हो नल, पानी आना बंद हो जाता है। तो वैसे जैसे इसके अंदर ब्लड जाता है तो ये घूम जाता है और यहाँ से ये वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद। क्लियर है? अब ब्लड कहाँ आ गया है, सेमी लूनर वॉल्व में। ठीक है, तो अब ये जो ब्लड है ये सेमी लूनर वॉल्व में आ गया है। अब ये सेमी लूनर वॉल्व की बात करें, ये देखो ये आ गया सेमी लूनर वॉल से होते हुए यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी ये आर्टरी नहीं कहेंगे, ये दूसरा है। ये कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, इसको कहीं नहीं लिखा है। तो वैसे इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है नहीं लिखा है तो लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग, सुना होगा ना आपने, इसको कहते हैं महाधमनी। क्लियर है? महाधमनी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहां से जो ब्लड आया है, ठीक है, यहां पे महाधमनी नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये धमनी में अशुद्ध ब्लड बहता है, ठीक है, अभी इसमें शुद्ध ब्लड है, महाशिरा कहेंगे, या तो जहाँ तक के इसको शायद ओटा कहते हैं, एक बार देखना पड़ेगा एनसीईआरटी में या बाद में देखेंगे, ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ ब्लड की बात करें, ब्लड कहाँ पे है, इस नली में आया। अब देखो यहाँ से जो है ना, ये नली ऐसी बनी हुई है, देखो तीन वॉल ऊपर की तरफ है, एक वॉल इधर है, इसका मतलब क्या है पता है आपको, कि जो हमारी अपर बॉडी है, ठीक है, देखो ये बॉडी ऐसी है, चलो इसको अच्छे से बनाता हूँ मैं, ये है, तो हृदय यहाँ है, हार्ट यहाँ है, तो यहाँ से लेके ये ऊपर वाले एरिया में ये तीन वॉल के द्वारा जो है ब्लड जाता है, और ये पूरी बॉडी में मात्र एक वॉल के द्वारा, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है ब्रेन को, ब्रेन को जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसमें से बहुत सारी ऑक्सीजन या बहुत सारा ब्लड तो अपर बॉडी में चले जाता है। हमारे पूरे 5 सेंसेस ऊपर है, नाक कान दिमाग सब ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे ज़्यादा ब्लड हमको ऊपर लगता है। क्लियर है? इसके बाद एक वॉल नीचे है, इसलिए बोला जाता है कि हाथ से मेहनत कम करो, हाथ पर से दिमाग से ज़्यादा करो। हाथ पर से मेहनत करके कभी कोई सक्सेस हो ही नहीं पाया, इसलिए दिमाग से मेहनत करना होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मैंने यहाँ कहीं बताया कि आपको नहीं बताया, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ से अब ब्लड कहाँ जाएगा, हालांकि मैं आपको फेफड़े वाले इसमें बता चुका हूँ, यह हार्ट है, हार्ट से ब्लड जाएगा किसी भी टिश्यू पर, टिश्यू में जाएगा, ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, ये आएगा टिश्यू के पास में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, यहाँ पे हमने बोला था एनर्जी वगैरह बन जाएंगी, ग्लूकोज वगैरह, और यहाँ से जो है ऑक्सीजन तो खर्च हो गई, अब बदले में क्या निकलेगा, CO2, तो अभी इसको क्या कहेंगे, अशुद्ध ब्लड। क्लियर है? तो अब ये जो है अशुद्ध ब्लड, ये याद रखना, किसी भी टिश्यू, अब यहाँ पे उतने नहीं बताया है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट बता दिया है कि ये जो से महाशिरा है, ठीक है, अब ये जो महाशिरा है, ठीक है, इन्फीरियर वेना के अलावा, ये जो नीचे की बॉडी है ना, मैंने जो बताया था आपको, देखो और यहाँ अपर, ये देखो एक अपर बॉडी है एक लोअर बॉडी, तो लोअर बॉडी से जितना भी अशुद्ध ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा, इन्फीरियर वेना कैवा में, यानी ये लिखा भी हुआ निम्न महाशिरा, यानी कि नीचे की बॉडी से जो भी अशुद्ध ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा, निम्न महाशिरा में।
कहाँ से समझ में आया? मैंने अभी बताया टिशू से। तो पूरी अपर बॉडी चाहे हो या चाहे लोअर बॉडी है, टिशू तो होंगे ही ना सब में। तो सबसे क्या आएगा अशुद्ध ब्लड कहाँ पे? निम्न महाशिरा में, क्लियर है। अपर वाली बॉडी से भी आएगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखो इसको लिखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा, ऊपर साइड में ये देखो सुपीरियर वेना केवा, यानी उच्च महाशिरा, यानी जो हमारी अपर बॉडी यानी ऊपर की बॉडी, उससे अशुद्ध ब्लड कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, क्लियर है यहाँ तक के। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ आ गया और उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड? तो देखो यहाँ से और यहाँ से, वन मिनट, देखो यहाँ से कहाँ से? इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से कहाँ पे आएगा? कौन सा पार्ट है? यानी कि राइट एट्रियम। राइट एट्रियम पे कौन सा अशुद्ध ब्लड आएगा? क्लियर है। अब ये जैसे ही अशुद्ध ब्लड यहाँ पे आएगा, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ तो ब्लड पूरा भरा जाएगा, अब ये भी कोई रास्ता ढूंढेगा जाने का? जी बिल्कुल, कम इन लोगों को कभी मना नहीं करते हूँ। देखो तो ये यहाँ पे आ गया, अब हम लोग बात करते हैं ये कहीं ना कहीं जाने का रास्ता ढूंढेगा, तो ये भी जो है ना एक कपाट ढूंढते। कपाट यानी गांव में सुना होगा कपाट किसे कहते हैं? दरवाजे को, क्लियर है। तो यहाँ से ये याद रखना, ये दरवाजे से इधर आएगा, लेकिन यहाँ पे तीन गेट रहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ याद रखना है, इसको कहेंगे हम लोग त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वॉल, क्लियर है, जो तीन पेशी पलवों या वल्लों से युक्त होता है, फ्लेक्स या कप्स से युक्त होते हैं। यानी यहाँ पे कितने पल्ले होते हैं? तीन पल्ले, सुना है गांव में पल्ले वगैरह, ये सारी एनसीईआरटी को बता था ना कि हम लोग गांव से है, उन्होंने पूरी वही लैंग्वेज लिखी कपाट पल्ले, क्लियर है। तो तीन पल्ले होते हैं यानी तीन यहाँ पे जो है गेट बोल सकते हैं या वॉल बोल सकते हैं, तो ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल, क्लियर है यहाँ तक के। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ब्लड कहाँ आया? यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी कहानी भाई, अब ये तो पूरा पैक तो कहीं तो जाने के रास्ता ढूंढेगा ये, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे ये देखो यहाँ पे भी एक और चीज़ होती है, यही इधर ही लिखी है सेमी लूनर वॉल, क्लियर है, ये साइड में लिखा हुआ है जो पहले पढ़ा था वही वाला, क्या है? सेमी लूनर वॉल है, तो इधर भी सेमी लूनर वॉल है। तो ये अब ब्लड कहाँ आ गया? सेमी लूनर वॉल में आ गया। तो अब ये जो सेमी लूनर वॉल है, इससे होते हुए ये जो है दोनों तरफ चले जाएगा। ये दोनों तरफ ऐसा क्यों बताएं? अच्छा ये क्या है, इसको इसको कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर है। अच्छा पल्मोनरी लगा तो आप तो समझ में ही आ जाना चाहिए, फुफ्फुसी धमनी यानी फेफड़े की बात हो रही है। तो देखो दो फेफड़े हैं ना, एक इस साइड और एक इस साइड, बीच में हार्ट होता है, तो ये अशुद्ध ब्लड जो है दोनों हार्ट को दे देगा, और ये जो सॉरी दोनों फेफड़े को दे देगा, और दोनों फेफड़े जो है शरीर से बाहर कर देंगे ऑक्सीजन CO2 को, क्लियर है। इस तरह जो है पूरे जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता है, क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें और कुछ समझना है आपको? अरे समझना है या नहीं है? सारी चीज समझ में आ गई? क्या? हाँ जितना लिखा है उतनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उतना तो मैंने समझाया ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा। मैंने जितना अभी ब्लड का, एक तो हार्ट के टाइप बताया, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा आवरण देखा, यानी कि इसमें प्रोटेक्शन किस चीज़ का है, तो यहाँ पे पेरिकार्डियम मायोकार्डियम एपिकार्डियम ये सब देखा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि चार चैम्बर होते हैं, ठीक है, तो क्या ये समझ में आए क्या? क्लियर, कौन कौन से होंगे? देखो मैंने बोला ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, क्लियर है। एक तरफ का राइट, एक तरफ का राइट, एक तरफ का लेफ्ट, एक तरफ का लेफ्ट, ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद मैंने बोला कि जहाँ से भी ब्लड जो है जाता है, अगर फेफड़े से जा रहा है तो पल्मोनरी वेंस, यहाँ से जो है अशुद्ध ब्लड जाएगा कहाँ तक के? हार्ट के कौन से चैम्बर में जाएगा? सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, क्लियर है।
फिर मैंने एक वॉल बताया बाइकस्पिड वॉल, फिर ये जाएगा सेमी लूनर वॉल, फिर जाएगा ये टिशू के पास, और टिशू से होते हुए सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से होते हुए कहाँ जाएगा ये राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से ये जो है होते हुए सेमी लूनर के वॉल के द्वारा जो है फेफड़े में पहुँच जाएगा। सिर्फ मैंने इतनी ही चीज़ बताई है आज, इसमें कोई डाउट हो तो ये मुझे बताओ कि ब्लड कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। और ये मैंने जितनी चीज़ लिखाई है मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। मैंने जितनी चीज़ पढ़ाई क्या उतनी चीज़ समझ में आई? yes, उसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है ठीक है इसमें। फिर इसका सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे हार्ट का, अभी तो फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा कि होता क्या है, क्या 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 होता है हार्ट में, और ब्लड जाता कैसे है। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों करता है, कहाँ से क्या सिग्नल आता है वगैरह, वो सारी चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक के? चलो तो हम लोग लेते हैं रेस्ट, मतलब क्लास को अभी बंद करते हैं, फिर इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे ठीक है।